कमेंट भी आ रहा था अमित किटो जो है आप लोगों के एनिवर्सरी में नहीं आए, आप लोग इनवाइट नहीं किए थे। जिया और किटो के बीच में लड़ाई हो गई लगता है किसी बात को लेकर के, बहुत कमेंट आ रहा था जिया और किटो के बीच लड़ाई हो गई थी, आखिर किसने डाली इन दोनों के बीच में दरार, ऐसे ऐसे बहुत सारे आ रहे। तो चलिए हर एक बातों पर बात कर ही लेते हैं, आखिर क्यों नहीं आए आप लोग और कौन आप लोग को लड़ा दिया आपस में, रिवील होगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग का दिल्ली में जी आया हुआ हो गया है लगभग 4 से 5 दिन, और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आप लोग जो है अमित जायसवाल से क्यों नहीं मिले, वो तो आपके नैन्सी दीदी के घर के बगल में ही रहते हैं। तो सही बात है जी कि हम लोग का इतना दिन अच्छा खासा आया हुआ हो गया है और हम लोगों का जो है मिलना जुलना अभी तक नहीं हो पाया था, तो उसके ऊपर बात करेंगे जी आखिर क्या वजह थी। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं उनके यहाँ और सारी तैयारी सब तो फिलहाल हो चुकी है, तो चलते हैं। तो अमित भाई के घर जी हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ी यहां पर लगा दिया है, क्रियांश वहां पर जिया के साथ है, तो चलते हैं अमित भाई के इधर, चलें चलते हैं। पिछली बार जब आए थे अमित भाई के यहां तो हम लोग जो है किस समय आए थे, कृतिक के बर्थडे में, फर्स्ट ईयर का बर्थडे था, और उसके बाद अभी चल रहे हैं। क्या देख रहे हैं क्रियांश, कहाँ पर? हाँ बल्ब जल रहा है बेटा, चलो गेट को, इनके यहाँ भी कैमरा लगाए हुआ है, ये देख सकते हैं जी इनके यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, देख रहे होंगे। हेलो अमित भाई, चलिए चलिए आइए। ओके, और भाई बताइए क्या हाल समाचार, बढ़िया? अच्छा, कृतिक से इसका नाम कृतिका रख दीजिए। तो फिलहाल हम आ गए हैं जी अमित भाई के घर और यहाँ पर हुआ है जोरदार स्वागत, और यह जो जूस है गुआवा जूस है, अच्छा लगा हमको भी बहुत, अच्छा लगा। जूस की दुकान में मसाला मिला के नहीं देते हैं, हाँ, तो वही लग रहा है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये ओरिजिनल ही है, डुप्लीकेट नहीं है, सुनिए ना ऐसा करिए, पैक वाला ही है, सुनिए। तो उसका लिंक हमें भी भेज दीजिएगा, हम भी मंगवा के देखेंगे। विशाल मेगा मार्ट से लिए, अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, हो ब्लिंकिट सब पर देखते हैं ये चीज, रियल वाला एक आता है जो मीठा रहता है। हाँ अपने गाजियाबाद में कहीं को है भी नहीं घूमने के लिए ना, क्या घूमेंगे गाजियाबाद में, क्या घूमेंगे बताइए, वाटर पार्क बस जा सकते हैं और क्या है? अपने में ये क्या करेंगे, आ जाइए वाटर पार्क वहाँ नीचे ही है। कौन सा, ये वाला स्विमिंग पूल ये सर, नहीं कोई स्लाइड राइड राइड सब रहेगा, वर्ल्ड ऑफ वंडर वाला, अच्छा वो शिमला बर्फ वाला जो है, वहाँ चल देते स्नो वाला, वो चीज वो भी अच्छा पार्क है, वो चीज हमने वीडियो देखा एक बार, चलो टेस्ट कर लेंगे देखते हैं। कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा बेटा जो इतना सामान देखे ना ऑल वॉल करे, क्या सामान ले क्या फेंके, समझ रहा है ना, वाह। तो जिया किटो जी की यहाँ आते ही जो है किचन में थोड़ा बहुत जो है घुस गई है, और देख रही है पहले से कुछ पक रहा था यहाँ पर, तो जिया सुगंध सुगंध हमको ऐसा आ रहा है, अच्छा है सुगंध, अच्छा है। ये नैन्सी दीदी के यहाँ देखते हैं बहुत बनता है, ये साबुदानी की खिचड़ी है जो व्रत में, अच्छा किटो जी का जो व्रत है तो सोमवार की हुई है किटो जी, तो उसी के लिए उनका बना हुआ है, दीदी को देखते हैं, दीदी भी बनारस की है, उनके यहाँ भी बनते रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। अच्छा जिया, अच्छा मतलब आपका हर एक सोमवार ही करते हैं क्या, हर एक सोमवार को? हाँ। जिया तुम भी कुछ हफ्ता में कर लिया करो, मैं मतलब कि मैंने तो हो जाएगा, अच्छा तो मैं सोमवार का व्रत जब तक जीऊंगी तब तक रखेगा, अरे वाह। और जिया जो है शादी से पहले खाली करती थी बृहस्पतिवार का, शादी के बाद भी, शादी के बाद कुछ दिन की है बस, कोई बात नहीं, तुम दुबली पतली भी ज्यादा रहोगी तो फिर और दिक्कत हो जाए, और उसको संभालेगा कौन, सही बात है, उतना इतना ज्यादा एक्टिव है मेरा बेटा। क्या हुआ, हम आ गए हैं किट्टो के घर, और यहाँ पे किट्टो जो है साबुदाने की खिचड़ी बना रही है, बना चुकी है मतलब सर, जो कि बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी नैन्सी दीदी भी बनाती है, वो भी बनारस की है, तो वो भी मतलब जब फास्ट करती है ना तो ये जरूर बनाती है, और ये तो मतलब दबा के खाते हैं भले फास्ट रहे या ना रहे इनका। और इधर हमारा गुन्नू है, हेलो गुन्नू, हम डायपर पहना के भी सब वीडियोस बना रहे हैं ना, गुन्नू की जरूरी है, गुन्नू सी हेलो, उसमें भी कांच है,
मेरा बेटा ना पूरा तबाही मचा के रखा, उसको ले के नहीं आना चाहिए, इसका पूरा घर तहस नहस कर दिया है। तो ये चीजें इसलिए नॉर्मल है, ये बस यहाँ जो डॉल वगैरह ना बस आएगा गुस्से में गिराएगा, फिर ऐसे देखेगा देख रहे हो, फिर जाएगा फिर दूसरा गिराएगा, बस इतना करेगा ये। अब देख यहाँ भी है ना एक चीज गिराने लायक, जिया काड़ा जिया जिया, हाँ वो बदमाश है ना भाई, बहुत बदमाश है। तो इधर साबुदाने की खिचड़ी चाय खाओ, तुम्हारा फास्ट है, मैं खा ली ना, तो किसी का और फास्ट नहीं है, बहुत आप ही खाइए। तो मैं बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं बनाती हूँ सबके लिए, ये बढ़ा के ही बनता है, अच्छा आ इधर ही। लेकिन अब तुम लुटपुटार हो गया किट्टो, इसलिए क्योंकि ना जानते हो उस टाइम जैसे क्या था टाइट आता है, अगर ये थोड़ा गिलछन रहता है थोड़ा सा ढीलापन तो ज्यादा टेस्टी लगता है। कमेंट भी आ रहा था कि अमित किट्टो जो है आप लोगों के एनिवर्सरी में नहीं आए, आप लोग इनवाइट नहीं किए थे, और बहुत लोग तो यह कह रहे हैं कि जिया और किट्टो के बीच में लड़ाई हो गई लगता है किसी बात को लेकर के। हाँ बिल्कुल, तो बहुत कमेंट आ रहा था जिया और किट्टो के बीच लड़ाई हो गई थी, आखिर किसने डाली इन दोनों के बीच में दरार, ऐसे ऐसे बहुत सारे आ रहे। तो चलिए हर एक बातों पर बात कर ही लेते हैं, आखिर क्यों नहीं आए आप लोग और कौन आप लोग को लड़ा दिया आपस में, रिवील होगा किसकी वजह से हम तुम दोनों के बीच में दरार आया। हमारे यहाँ 4 तारीख को हमारी वाली मम्मी जो है ना वो सगी थी, सास थी वो मेरी बड़ी वाली सास, अच्छा एक्सपायर हो गई थी 4 तारीख को, और क्योंकि हमारी ननद का फोन और घर से भी फोन आया था कि पूजा पाठ हो जाएगा तभी तुम कहीं जा सकती हो। अच्छा जैसे हम लोगों की 13वीं होता है, आप लोगों की 18वीं होता है? नहीं 13वीं तो होती है, अच्छा 18वीं इसलिए होती है क्योंकि घर में पूजा होने के बाद फिर आप शुभ काम में कहीं जा सकते हो, शुभ काम कर सकते हो, घर में पूजा स्टार्ट कर सकते हो, हमारे यहाँ ऐसे होता है। अच्छा तो जिस दिन हमारा एनिवर्सरी था उस दिन आपका था 18वीं दिन, अच्छा। तो इसकी वजह से हम नहीं गए, और 21 तारीख को ससुराल में पूजा हुआ था तो हम लोग भी उसी दिन से पूजा स्टार्ट अपने घर से किए थे। अच्छा ऐसी बात है जी, तो हम लोग भी सोच रहे थे जी अमित किट्टो आएंगे काफी अच्छा लगेगा, तुम आओगी तो ऐसी सुबह सुबह इन्होंने बताया था, लेकिन पता लेकिन इसको खुद में अच्छा नहीं लग रहा था, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कृतिक का तबियत खराब था, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ, जब हमारे बच्चे का तबियत खराब होता है, तबियत के एटलीस्ट वो रोने भी लगता है ना, तो दिमाग काम नहीं करता है कि मैं कुछ और भी करूँ, ज्यादा दिन उसको तबियत खराब हुई था नहीं, और उसका 11 दिन का ट्रीटमेंट का दवा चल रहा था, अच्छा। दिखाना था क्योंकि जिस मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा ना वो जो लगता है कैनला वगैरह, इतना तड़प तड़प के रो रहा था कि मैं तो जैसे मैं वीडियो देख के उसको पूछो मैं इनको कि मैं खराब लग रहा था, सही में। और उसके बाद वो जो कह रहा था किट्टो वीडियो तो हमने तो वीडियो तो हमने तब शूट किया जब वो सही हो गया, सही हो गया उसके बाद उस टाइम हिम्मत नहीं पड़ती शूट करने की, कैसे हिम्मत पड़ेगी भाई वहाँ पर, जब डॉक्टर कैसे कर पा रही मेरा नहीं, जब डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर हाँ तो हमने तब, अच्छा जब उसको ना अकेले में ले गए और वहाँ पे ना हम थे ना ये, बस बाहर से हम लोग का हमारा तो पैर ऐसे ऊपर नीचे, ये तो मैं सोचती थी कैसे मैं बच्चे को देख लूँ, कैसे मैं बच्चे को देख लूँ, और उसके बाद डॉक्टर ने भी बोला था कि अभी बेबी को लेकर के जैसे कि बाहर कहीं लेके मत जाना, अच्छा पता है वहाँ पे जितने बच्चे एडमिट थे ना मैक्सिमम को वायरल इन्फेक्शन चल ही रहा है। तो चलिए जी भगवान दया से जब है कृतिक अब ठीक है, अब स्वस्थ ही लग रहा है भगवान दया से, हमारे बच्चे की खुशी से बढ़ के कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन उनका फिर एनिवर्सरी आएगा हम फिर चले जाएंगे, कुछ होगा फिर हम चले जाएंगे, सही बात है, अभी तबियत से उठा है तो अभी। तो उम्मीद करते हैं जी आप लोगों का सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, किसी ने भी हमारे बीच में दरार नहीं डाली और ना कोई लड़ाई हुई, करना है लड़ाई सामने सामने लड़ लेंगे, कैमरे में भी दिखा के कर देंगे, अच्छा हिम्मत रखते हैं, अच्छा कैमरा पे भी कर लीजिएगा, नहीं नहीं हम लोग कैमरा से बचा लेंगे उसी अपना हो जाएगा जो भी फाइट वाइट चल जाएगा कोई बात नहीं, हम लोगों का बहुत बार सासुर भाई ने एनिवर्सरी से कुछ दिन पहले भी फोन किया था आने के लिए, पर बस यही दिक्कत थी इसलिए नहीं आते, बाकी तो हम ऐसे घूमने आ जाएंगे लेकिन ठंडी में आएंगे गर्मी में नहीं। चलिए ठीक है, तो ठंड के टाइम में तो हमारा से कोई फंक्शन है नहीं, अब जब सेकेंड बेबी आएगा तो ठंड में ही लेंगे उसको हम लोग, सासुर भाई से तो हम नाराज भी नहीं हो सकते, अगर कोई नाराजगी होगी तो हम खुद ही जाके दूर कर लेंगे भाई, चलिए हमें मतलब
सीधी सी बात है, यूट्यूब में अगर मैं हूँ सासद भाई मुझे लाने वाले हैं। अरे नहीं भाई, हम तो बस एक माध्यम थे, सारी मेहनत आपकी है, सारा भाग्य आपका है। मेहनत तो करें, जब कोई बताएगा ना भाई मेहनत यहाँ करनी है। अच्छा, हमेशा ये बोलते हैं कि मतलब चलिए अच्छा है जी। अमित भाई मतलब इन सब चीजों को आज लगभग 4 साल हो चुका है, काम क्या हुआ और आज भी ये इस बात को बोलते हैं। ये तो हमेशा बात करते हैं, मतलब कि मैं किट्टो, हमने ये बात एकदम क्लियर रहती भाई, कुछ भी हो जाए शाश्वत भाई हमेशा ऊपर रहेंगे। अरे चलिए बराबर भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ अगर भगवान कुछ गलत करते हैं तो भगवान नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पति कैसे, ये दिल के इतने क्लीन है। मैं क्या कहता हूँ, आजकल जमाने में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट होता ब्राइट है, मैं बोला बहुत स्टूडेंट का दिमाग होता है, लेकिन उसको मार्गदर्शन देने वाला तो टीचर होता है ना। टीचर जब उसको मार्गदर्शन नहीं देगा, भैया जाना तुमको ये है, तुमको एग्जाम में सब क्वेश्चन आएंगे, तब भी आपने बोला कि चलिए मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपका काम कर दूंगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रहता है ना कि आपने हमारा नहीं, नहीं, थोड़ा सा ये कोशिश करते हैं कि जितना अपने साइड से जो भी हमको नॉलेज है, जो भी दे सकते हैं दे सकते हैं। बहुत सारे लोग माने चाहे ना, बस आपके अलावा शायद ही कोई मान रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इसे मानने वाली बात जब हम लोग यूट्यूब पे थे, हमने Q&A किया था, उस टाइम भी मैंने ये चीज बोला था और मैंने कई बार बोल चुका हूँ, कई सारे ब्लॉग में देखे हैं और कई सारे लोगों के बीच भी बात करते हैं।